हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। द सब्जेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड यूनिट इज थर्ड, दैट इज ब्रिज इंजीनियरिंग, इन विच वी ऑलरेडी डिस्कस टॉपिक ऑफ साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन 3.1, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ब्रिज, ब्रिज अलाइनमेंट, कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन डाटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड मटेरियल। This video is fully concluding part of 3.1 site selection and investigation, in which we will discuss the material, span, size, alignment, position of HFL, that is classification of bridge. Okay, ये transportation engineering का तीसरा unit जिसका नाम है bridge engineering, जिसका 3.1 साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से या पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट, ब्रिज अलाइनमेंट, कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन डाटा या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस और मटेरियल्स के बारे में जान चुके थे। ये हमारा लास्ट वीडियो है 3.1 का, कंक्लूडिंग वीडियो कह सकते हैं 3.1 साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हम लोग स्पान, साइज, अलाइनमेंट, पोजीशन ऑफ HFL, मतलब इन चीज़ों का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू HFL, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू स्पान, अकॉर्डिंग टू साइज के बारे में हम लोग जान रहे होंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग 3.2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ अ ब्रिज, को पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका जहाँ तक हम लोग कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और आज का टॉपिक है ट्रस से स्टार्ट होगा। ओके, हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, जो कि ट्रस ब्रिज भी है। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़े हुए थे एक बार हम आपको दिखा चुके हैं, स्लैब ब्रिज और गर्डर ब्रिज, जो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है। हम लोग ट्रस के बारे में जानकारी ले रहे थे, और ट्रस में लिखा हुआ है व्हेन अ फ्लोरिंग ऑफ अ ब्रिज इज सपोर्टेड ओवर स्टील ट्रसेस इट इज कॉल्ड ट्रस ब्रिज। नॉर्मली सच टाइप ऑफ ब्रिज आर यूज्ड फॉर रेलवेज। ट्रस ब्रिज जो है वो सपोर्ट कर रहा है किससे, ओवर स्टील ट्रस, मतलब पूरा ब्रिज को, पूरा ब्रिज को क्या कर रहा है वो ट्रस के माध्यम। और ट्रस किसका बना हुआ रहता है, अक्सर आयरन का या स्टील आप बोल सकते हैं उसका बना हुआ रहता है। नॉर्मली ये इंडियन रेलवे में ज़्यादातर यूज हो रहा होगा, हो रहा होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि रेलवे ब्रिज जब आपकी ट्रेन जब रेलवे ब्रिज से क्रॉस कर रही होती है तो वो फुल्ली पैक्ड टाइप का लगता है, फुल्ली पैक्ड टाइप का लगता है। वो पैकिंग जो रहता है आपके जस्ट ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के लेफ्ट और राइट में, उसी को बोलते हैं ट्रस। ट्रस और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर में यूज हो रहा होता है, जैसे कि वर्कशॉप में जो रहता है, अक्सर वर्कशॉप के जो ऊपर वाला जो फ्लोरिंग नहीं होता, ठीक है ना, उसमें एस्बेस्टस डाला हुआ रहता है, उस वाले एस्बेस्टस को सपोर्ट देने के लिए ट्रस का यूज कर रहे होते हैं, राइट। उसी सुपर स्ट्रक्चर में नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज किस तरह का होता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। सस्पेंशन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ केबल्स हैंगिंग इन द कर्व फ्रॉम विच द रोडवेज इज सपोर्टेड। अ फ्लोरिंग लोड इज ट्रांसफर्ड सस्पेंडर्स एंड केबल्स टू द पियर। मतलब ये है कि ये जो ट्रस का लोड होता है वो ट्रस के सहारे कॉलम पे जाता है, राइट। और भी दूसरे कॉलम के सहारे अगर नॉर्मल ब्रिज की बात करें तो वो लोड जा रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है किससे, फ्लोर से पियर्स पे या फ्लोर से कॉलम पे, ठीक है ना, और फिर सब कोर्स पे चला जाता है, ठीक। इस तरह करके उसका लोड ट्रांसफर हो रहा होता है। लेकिन सस्पेंशन ब्रिज की, तो सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है, केबल्स लगे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली टू पियर्स। The all cables are connected with the roads. In the sense, मतलब
दो बाजू, जिस तरह आप फिगर में आप देख सकते हो कि कैसे एक दो कॉलम है, या दो पिलर बोल दो, दो पियर बोल दो, राइट, उससे पूरा केबल निकला हुआ है। और पूरा केबल कहाँ पे कनेक्टेड है, रोड पे, ठीक है ना, आगे भी है लेकिन कुछ दूरी के बाद, ठीक है ना, मतलब कुछ दूरी के बाद जहाँ तक इसका केबल जा पाए एक सीमित डिस्टेंस पे, वो क्या होता है फिर दूसरा दूसरी जोड़ी पेयर का या कॉलम का लगा हुआ रहता है, फिर उससे केबल्स कनेक्टेड होते हैं रोड से। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज। अ फ्लोरिंग लोड इज ट्रांसफर्ड सस्पेंडर्स एंड केबल्स टू द पियर। अब लोड जो है, फ्लोर का लोड मतलब जिस पे हमारा व्हीकल्स वगैरह चल रहा है, वो लोड किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ केबल्स, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडर्स, इन दोनों के सहारे पियर पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा आर्च ब्रिज। आर्च क्या होता है, आप फिगर में देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा या आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इस तरह का भी ब्रिज हमने देखा है, आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज क्या होता है, रोड को बीच से क्रॉस कर दिया जाता है और ऊपर से पुल या ब्रिज जिसको बोल सकते हैं उसको क्रॉस कर जाता है। दोनों को कोई भी इफेक्ट अफेक्ट नहीं होता है एक दूसरे से, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ ब्रिज द वेट इन सच टाइप ऑफ अ ब्रिज द वेट ऑफ अ फ्लोरिंग इज ट्रांसफर टू द पियर्स थ्रू द आर्च। द फ्लोर बीम इज सस्पेंडेड थ्रू हैंगर्स फ्रॉम आर्च। अब क्या होता है, आर्च के सहारे पियर पे या पिलर पे लोड जा रहा होता है, किसका लोड, वो फ्लोर का लोड। और फ्लोर का लोड मतलब पूरा ब्रिज का लोड जिस पे हमारा व्हीकल्स वगैरह चल रहा होता है, वो कहाँ पे चला जाता है, पियर्स पे। किस तरह से, जो सस्पेंडेड थ्रू हैंगर्स। अब देखो छोटे छोटे कॉलम टाइप के बने हुए हैं आर्च पे, वही लोड आर्च पे डालता है और आर्च किस पे डालता रहता है, पियर्स पे। इस तरह लोड का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ लोड आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोर टू आर्च एंड आर्च टू पिलर और पियर। ओके, देखिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। ओके, HFL स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट फ्लड लेवल। क्या होता है देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू HFL पहला अगर बात करें, पहले टाइप की बात करें, तो वो है सबमर्सिबल या सबमर्सिबल ब्रिज और कॉजवे। तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रोड कॉजवे इज अ पक्का डीप विच अलाउज फ्लड्स टू पास ओवर इट। इट मे और मे नॉट हैव ओपनिंग्स और वेंट्स फॉर लो वाटर टू फ्लो। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल मतलब नीचे में विलीन। अब क्या होता है कि मान लो एक नदी है जो फिगर में आप देख रहे हो, पहले फिगर में पहले पिक्चर में, कि बहुत नीचे है, किसका, पुल का, जो ब्रिज का जो हाइट है बहुत नीचे है, मतलब समझ लो लगता है नदी के लेवल का, ठीक है। तो वो भैया इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी स्तर बढ़ा तो पुल के ऊपर से पानी पास कर जाएगा और पुल को कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो उसी के लिए ही बनाया गया है। दूसरी बात इसमें दूसरी बात ये है कि अगर जो पुल कंस्ट्रक्ट कर रहा है या जो करवा रहा है, वो अगर चाहे तो पुल के नीचे से कम हाइट के पानी को इस पार से उस पार ले जाने के लिए वेंट छोड़ा जा सकता है, ओपनिंग छोड़ी जा सकती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कभी कभी छोड़ा भी जा सकता है ओपनिंग, और कभी कभी बंद, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर पानी का लेवल ऊपर हुआ तो रोड के ऊपर से इस तरफ उस तरफ हो गया, नहीं तो फिर ठीक है, दोनों तरफ पानी इकट्ठा किया हुआ। तो ये तरीका है सबमर्सिबल ब्रिज या कॉसवे ब्रिज का बनाने का, ठीक है ना। और ये एडवांटेजेस बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, कि अगर कितना भी पानी आ जाएगा तो पानी ब्रिज को नुकसान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि पानी नुकसान तब देगा जब पानी को हम रोक रहे होंगे,
और यहाँ पर पानी को रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा जो पानी है वो किसके ऊपर से चला जाएगा, ब्रिज के ऊपर से, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। क्या होता है भाई, जस्ट अपोजिट होता है सबमर्सिबल ब्रिज का। एक्चुअली सबमर्सिबल ब्रिज में क्या हो रहा था, फ्लड के पानी या ओवर वाटर जो है, ओवर लेवल ऑफ वाटर, वो कहाँ से जा रहा है, जस्ट पुल के ऊपर से, और इसमें कहाँ से जाएगा, जस्ट पुल के नीचे से, राइट। देखते हैं, इन दिस टाइप्स ऑफ ब्रिज फॉर्मेशन लेवल इज कैप्ट अबव द HFL सो दैट मैक्सिमम फ्लड डज नॉट अफेक्ट द ट्रैफिक ऑन द ब्रिज। क्या मतलब हो गया इसका, ये इस टाइप के ब्रिज में फॉर्मेशन लेवल जो है, फॉर्मेशन लेवल मतलब जिसमें हमारा रोडवेज या व्हीकल्स वगैरह, ट्रक, बस और भी ढेर सारे कार्स वगैरह जो चल रहे हैं उनको बोल सकते हैं फॉर्मेशन लेवल, और वो कैप्ट अबव द HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल से बहुत ऊपर में रहता है, सो दैट मैक्सिमम फ्लड डज नॉट अफेक्ट द ट्रैफिक ऑन द ब्रिज। क्या होता है एक्चुअली में, जब बहुत ज़्यादा अगर पानी भी आ गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, उस वाले ब्रिज को अफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, उस वाले ब्रिज को अफेक्ट मतलब उस वाले ट्रैफिक को जाम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा जाम, क्योंकि सारा पानी नीचे से जा चुका होगा या जा रहा होगा, किसमें, हमारा सेकेंड नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, राइट। और सबमर्सिबल में क्या होता है, जैसे अगर पानी ज़्यादा हुआ तो ट्रैफिक जाम होने लग जाता है, भाई पानी में थोड़ी चला जा पाएगा क्या कार आपका, नहीं, तो वेट करना पड़ता है कि पानी थोड़ा सा भी नीचे हो फिर कार जा सकेगी, राइट। तो इस तरह का केस है इसमें सबमर्सिबल और नॉन सबमर्सिबल में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पान। देखे स्पान टाइप में क्या है, पहला है सिंपली सपोर्टेड ब्रिज, दूसरा है कंटिन्यूस ब्रिज, और भी ढेर सारा सपोर्टेड वाला ब्रिज होगा, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड ब्रिज की बात करें तो व्हेन द ब्रिज गर्डर आर सिंपली सपोर्टेड ऑन पियर इट इज नॉन एज सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। जब पियर पे स्थापित किया जाए किसको, ब्रिज के फ्लोर को, तो उसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। व्हेन द ब्रिज गर्डर आर सिंपली सपोर्टेड ऑन पियर, जो ब्रिज गर्डर है वो सपोर्ट तो करे पियर पे लेकिन सिंपली आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ नॉन एज सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। सेकंड क्या है, कंटिन्यूस ब्रिज। क्या होता है भाई, व्हेन द सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपर वाला जिसमें जा रहा है गाड़ी वगैरह, ऑफ अ ब्रिज इज कंटिन्यूस ओवर मोर देन टू सपोर्टेड इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रिज। टू सपोर्टेड मतलब ये है कि अगर मान लो ब्रिज है, एक पेयर कॉलम आया, फिर दूसरा कॉलम पेयर आया, फिर तीसरा आने लगा, तो इसको हम लोग बोल सकेंगे कंटिन्यूस ब्रिज, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक है कैंटिलीवर ब्रिज, फिर है बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज फॉर्म्ड ऑफ अ कैंटिलीवर प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सपोर्टेड पियर, द एंड ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड। क्या है मतलब, एक ही तरफ से कैंटिलीवर मतलब क्या होता है, बाहर निकला हो, ठीक है ना, किसी दूसरे कॉलम के सहारे और दूर तक एक्सटेंड किया हो, दैट इज कैंटिलीवर, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज। अ बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ स्पान सिंपली सपोर्टेड ओवर कैंटिलीवर। तो इस तरह का क्या है, ढेर सारा टाइप्स है, सारा कुछ आपको आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ अलग से भी जानकारी देना, जैसे कि अभी दे रहे हैं, सारा कुछ नहीं है, जैसे ये सपोर्टेड वाला नहीं है, ठीक है ना, तीन चार तरह का ही दिया है, अकॉर्डिंग टू HFL, अकॉर्डिंग टू स्पान, अकॉर्डिंग टू और दो तीन टाइप के दिए हुए, उतने ही टाइप का आप लोगों को पढ़ना है, जहन में रखना है, राइट। स्पान लेंथ इम्पॉर्टेंट है, स्पान लेंथ, अगर हम कलवर्ट की बात करें, जो छोटे छोटे पुलिया जो होता है, बहुत छोटा कलवर्ट ही बोलते हैं उसको, वो स्पान 8 मीटर तक हो सकता है, 8 मीटर के बाद फिर दूसरा प्रारूप ले लेगा, क्या ले लेगा, माइनर ब्रिज। और माइनर ब्रिज कहाँ से हो जाता है,
आठ से तीस मीटर। और तीसरा क्या हो जाएगा, मेजर ब्रिज, इसका क्या हो जाता है, तीस से 120 मीटर। ठीक है, क्या चीज़ हो जाता है ये स्पान हो जाता है, लेंथ समझ लो आप, ठीक है ना। ब्रिज की लेंथ अगर 8 मीटर है, 8 मीटर से नीचे है तो वो कलवर्ट हो जाएगी, अगर 8 से 30 के बीच में है तो वो माइनर ब्रिज हो जाएगी, और 30 से 120 मीटर के बीच में है तो मेजर ब्रिज हो जाएगा, और 120 मीटर से भी ज़्यादा कोई ब्रिज है तो उसको लॉन्ग स्पान ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लॉन्ग स्पान ब्रिज के नाम से जाना जाएगा किसको, 120 किलोमीटर से ज़्यादा, अबव 120 मीटर से भी ज़्यादा स्पान वाला ब्रिज को हम लॉन्ग स्पान ब्रिज के नाम से जानेंगे या जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेविगेशन स्विंग, स्विंग मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज को पास करवाना है तो पुल को क्या किए, बेंड कर दिए विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज। इन केस ऑफ स्विंग ब्रिज अ सेंट्रल पियर इज प्रोवाइडेड विद सुटेबल बियरिंग ऑफ रोलर, द सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्टील ट्रसेस एंड इट कैन बी रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। हमने जैसा बताया कि अगर वैसा ब्रिज है तो बीच वाले कॉलम, बीच वाले पियर के सहारे हम उसको मोड़ देते हैं, और मोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो नीचे वाला जो स्टीमर होता है, नाव होते हैं छोटे छोटे जो भी होते हैं, वो नीचे से आराम से पास कर जाता है। ठीक है, और एक टाइप है, क्या नाम है, बेस्कुल्स ब्रिज। इसमें देख लो फोटो में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस टाइप का हो रहा है, अगर नीचे से जाना है तो वो ऊपर हो जा रहा होता है। ठीक है, इस तरह का ढेरों सारा ब्रिज है। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के तीसरा यूनिट का ब्रिज इंजीनियरिंग का पहला पार्ट, जिसका नाम है 3.1 इन्वेस्टिगेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 3.2 पढ़ रहे होंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, धीरे धीरे हम लोग जिक्र करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को फिर से एक ही बात है कि आप लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, और जो भी सवालात पूछने हैं आपको, क्वेश्चंस करने हैं, वो आप लाइव चैट पे आप बखूबी कर सकते हैं, आपको आंसर एट अ टाइम मिलने का चांस बढ़ जाता है उसमें। ठीक है ना, बाद में आप पूछोगे फिर हम देखेंगे मैसेज को, फिर आपको हम रिप्लाई देंगे, तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसीलिए तभी पूछिए, और आपको, आपके पूछने से दूसरे को भी हेल्प होगा। ठीक है ना, इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।